क्या हाल है? खड़े हो जाए, खड़े नहीं होना, गप्पा गप लगाने यार आओ। क्या नाम है आपका? भाई काशी नाम है अपना, जड़ां ले दे रहन वाले हां, दादा दे कोल रहीदा। काशी तो खूबसूरत इंसान है, कब से इधर लाहौर आए हो? छोटा जिहा ही। नशा तो नहीं हुण करदा? करीदा। मिल जांदा आसानी ना? इत्थे ही मिल जांदा। कौन देता है? हार्डवेयर वाले। मैं दुकाना समत बॉन्ड का नशा करते हैं। ये बॉन्ड का नशा डब्बिया जी होंदा है? को डब्बी पाई। कितनी देर बाद वो नशा करना पड़ता है? डब्बी कितने की मिल जाती है? 100 रुपए की मिलती है, 2-3 दिन काट लेते। अच्छा, उसके बाद दोबारा खरीद लेते हो? कोई डब्बी पड़ी नहीं थैले में? दिखा दो यार, पड़ी है। नहीं नहीं, सुबह नहीं। अब जो नशा आपने किया था वो कब किया था लास्ट टाइम? सुबह का खत्म हो गया, अभी नींद पूरी कर रहा था, लंगर किया, सो जाएंगे बस। पड़ी हुई है ये आपकी आंख पे, क्या हुआ है? कुछ चीज बढ़ गई है ये सुता ही। एंटीबायोटिक खा लें, ये इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। दवाई ले लें इधर की, ये पीछे हॉस्पिटल है सामने, इधर से जाके मुफ्त मिल जाएंगे आपको एमोक्सिल के कैप्सूल या ऑगमेंटन के लिए। खुलिए में बेचारे को कोई अंदर जाने देगा? नहीं जाने, नहीं जाने देगा सर, इमरजेंसी में जाने देते हैं, इमरजेंसी में सबको जाने देते हैं, वैसे दाखिल होने में शायद मसाइल का सामना हो। काशी जड़ा वाले वापस नहीं गया? वो कहते काम कुम कराया करो, अपने रोटी पानी ली, खर्चे ली, कपड़े ली आप करो। 4 भाइया 3 कर दे, मैं नहीं करता। बाकी 3 की कर देने कारखाने च लगे, कोई फैक्ट्रिया च लगे ने। तू भी कारखाने च काम कर लेना? नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नशा ही कर सकना बस, कोई काम नहीं आंदा। आप वैसे क्या करना चाहते थे? करना तो कुछ भी नहीं चाहते जनाब, इसे तरह ही जिंदगी गुजार रहे हैं बस, अच्छी लगती है। अभी ये नशे तो तुहानू किने लाया? आप ही। नहीं ये जड़ी तुसा कर दे हो सोल्यूशन दा नशा, आप ही लगे? ये उत्थे जड़ा वाले लग गए सो? नहीं इधर आ गए। कैसा पता लगा सी? मुंडे थोड़े करते ने नशे हाथ में फड़ के, उन्होंने भी दोस्त बेली नाल सन। हाँ कौन दोस्त सन, कोई है याद? हूँ चले मर मुर गए थे, किसी के इश्क से नहीं नशे से लग गए? नहीं नहीं इस तरह। हूँ घर तुसी नहीं जाते? घर है ही नहीं। वालदैन मर गई, भाइयों ना रबता है खत्म, कभी नहीं आए? साढ़ा रबता नंबर है उन्होंने को? नहीं कोई कुछ है नहीं है। आप चाहते हैं वो रबता करें? नहीं। आप इधर ही रहेंगे, इधर ही या किसी शेल्टर होम में चले जाएंगे? वो सामने जो शेल्टर होम बना है, वो टेंट लगा के जो बनाया उन्होंने, वो हमारे हाल में नहीं है ना। हमने नशा पानी करना होता दिन रात, उधर मना करते हैं। वैसी जिंदगी किस तरह इस तरह गुजरेगी? ये तो तबाह हो जाएगी मजीद। बहुत अच्छी गुजर रही है, खाई दा पैसे उजाड़ दी दे, ज्यादा तो ज्यादा। कितना कमा कहाँ से लेते हो? दिहाड़ी दिहाड़ी ला ली थी फिर टुर के। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 300-300 रुपया बस। 100 दा नशा आ गया। हाँ। बाकी 200 खा लिया? बाकी खा लिया, सिगरेट पानी ले ले, और भी होंदा। कितने सिगरेट पीते हो? डब्बी एक मुकाई दी थी 2 दिन। आज ये अलमी है जी, यहाँ का एक बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा बच्चा है, जड़ा वाले से आया, और ये यहाँ से हालात है, और 11th क्लास में वो कहता है मैं 11 साल का था बल्कि जब से वो इधर आ गया। यहाँ की सूरत हाल आप जो हैं वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये लोगों के बिस्तर इस तरह पड़े होते हैं, और ये एक बिस्तर नहीं है, यहाँ सैकड़ों के हिसाब से। आप चलते जाइए, मक्की गेट से शुरू होइए तो आपको पता चलेगा कि ये मामला जो है किसी भी जगह रुकने वाला नहीं है, ये मामला इसी तरह चलता है, और इसको संजीदा भी नहीं लिया गया किसी फोरम पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना सिर्फ इस पर हुकूमत को पॉलिसी बनाने का कहा है आज, बल्कि इस मामले को प्रॉपर टेकअप भी किया गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? इधर क्यों पड़े हैं? घर छोड़ गए हैं? घर वाले छोड़ गए। घर नहीं है? घर है, छोड़ गए। इधर ही सोते हैं? वो आप इधर जो होम शेल्टर होम बना है
پناہ گاہ بنی ہے وہاں چلے جاتے ہیں؟ شناختی کارڈ ہے نا وہ مانگ رہے ہیں، میرے پاس نہیں. آپ نشہ کرتے ہیں؟ جی میرے پاس نہیں ہے، کھاتا کچھ نہیں ہوں. بہت زیادہ لوگ جو ہیں یہاں نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ یہ کئی کئی مہینوں تک نہا نہیں پاتے، نہ ان کو کوئی کپڑے دیے جاتے ہیں، نہ یہ نہاتے ہیں، نہ ان کے بال پراپر کٹ ہوتے ہیں، نہ ناخن کٹ ہوتے ہیں. یہ آپ باقیات دیکھ سکتے ہیں، یہ باقیات آپ دیکھ سکتے ہیں، نشے کے عادی افراد کی باقیات. یہاں بستر آپ کو نظر آئیں گے میلے کو چلے. اس وقت کھانے کا ٹائم ہے، لوگ زیادہ تر جس بھی بستر پہ آپ جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ گلفام. گلفام، تو ادھر کب سے سوتے ہیں؟ ایتھے کتوں نہ سوندے ہو؟ ایتھے بڑی دیر ہو گئی ہے. کس علاقے تو جے؟ بچپن تو جے. کس علاقے تو جے؟ جی علاقہ کون سا ہے؟ لاہور ہی اپنا علاقہ. لاہور؟ ہاں جی. تو گھر نہیں ہے؟ نہیں. کیوں، کیا ہوا؟ والدین کدھر ہیں؟ اما ابا کوئی مزدوری کرتے رات بھی سو جاتے ہیں. دن میں مزدوری کرتے رات کو یہاں سو جاتے ہیں. آپ کس علاقے سے ہو؟ باولپور. نشہ تو نہیں کرتے؟ نشہ بھی کرتا ہوں. کب سے آئے ہو ادھر؟ ادھر میرے کو ہو گئے کوئی پانچ ایک سال. پانچ سال سے؟ تو نشہ مل جاتا ہے؟ نہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں تو کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے. نہیں وہ مل جاتا ہے آسانی سے؟ کبھی کبھار کرتے ہیں، ہم اتنا نہیں کرتے. ریگولر نہیں کرتے؟ نہیں نہیں کرتے. کون سا نشہ کرتے ہیں؟ چرس. چرس پیتے. اچھا تو کھانا پینا کہاں سے؟ کھانا پینا دیہاڑی لگائی ہوتی ہے تو اس میں سے کھا لیتے ہیں. ادھر کتنے لوگ سوتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد ہے. بہت لوگ سوتے ہیں. وہ سامنے کیوں نہیں گئے آپ نے؟ شیلٹر ہوم بنے ہیں، بنا گئے ادھر گئے تھے وہ شناختی کارڈ نہیں، ایک دن سوئے تھے پھر اس کے بعد نکال دیا. ہاں شناختی کارڈ نہیں ہے نا. شناختی کارڈ کیوں نہیں بنوایا؟ ابھی عمر نہیں ہے اتنی. اب کتنی عمر ہے؟ عمر تو ہے پر شناختی کارڈ بنوانے کے لیے وہ بولتے بھائی کو لے کے آؤ پھر بنے. بھائی میرا میرے ساتھ نہیں جاتا. نہیں جاتا کیوں؟ بس وہ شادی شدہ ہے وہ کام پہ چلا جاتا ہے کبھی، اس کو پھر اتنا تنگ نہیں کرتا ہوں، بولتا نہیں ہوں بار بار. وہ بولتے ہیں بنوا دوں گا بس لارے میں رکھا ہوا ہے. تو یہ یہاں کے جی صورتحال، اور اس ساری صورتحال میں لوگ جو ہیں ان پر یہ آپ دیکھیں، یہ ان سے بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات بھی کر سکیں، لیکن مجموعی صورتحال آپ کو یہی نظر آئے گی. یہ وہ روپ ہے جو انسانیت کا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس روپ میں انسانیت سے سخت انسانیت آپ کو دکھا رہے ہیں. السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا جی؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ؟ ہاں جی. مصطفیٰ کس علاقے سے ہیں آپ؟ ہم فیصل آباد کی. ادھر کتنی دیر سے ہیں؟ دو سال. کیوں ہیں؟ بس گھر سے کام کرنے کے لیے آئے. کیا کام کرتے ہیں؟ منڈی میں، فروٹ منڈی میں دیہاڑی لگا. نشہ بھی کرتے ہیں؟ پاؤڈر کا نشہ کرتے ہیں. کون سا پاؤڈر کا؟ وائٹ پاؤڈر کا. مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے آسانی سے. ہاں جی. کتنے کی پوڑی ملتی ہے؟ وہ 2300 کی ملتی ہے. 2300 کی. اچھا تو یہ سامنے جو ہوملیس پیپل کا بنا ہے وہاں نہیں گئے آپ؟ ٹینٹ جو لگے ہیں حکومت نے لگائے. وہ شناختی کارڈ والوں کو تو لاتے ہیں. آپ کو نہیں ملا شناختی کارڈ؟ شناختی کارڈ نکل گیا ہے، جیب کاٹی گئی تھی. یہ انفیکشن ہے ان کے؟ ہاں جی یہ انفیکشن ہو کے ایبسس بن کے پھر وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاج نہیں کروائیں گے. یہ ان کو آپ لے کے بھی جائیں گے تو یہ پھر یہیں آ جائیں گے. اصل پرابلم خاص صاحب یہ ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کا پلان اور ان کے علاج کا پلان خاص صاحب نہیں ہے. جب تک ریہیبلیٹیشن نہیں کریں گے تو علاج بے سود ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج تو یاشیاں ہو رہی ہیں. صحت کیسی تاری؟ صحت کیسی؟ اس سامنے جڑے شیلٹر ہوم بنے نے اتنے چلے جانا سی؟ یہ پناہ گاہ جڑی بنیا ہم گئے تھے کل، وہ نے ہمارے کو نہیں دے جگہ نہیں دیتے. کیوں؟ وہ بولتے ہم محتاج، ہمارے پاس واش روم کی جگہ. کس علاقے سے ہیں؟ کس علاقے سے ہیں؟ جگہ بول رہے تھے. ادھر کتنی دیر ہو گئی؟ ادھر ہو گئے پانچ سال. پانچ دن. پانچ دن نہیں آئے؟
तो टांगों को क्या हुआ? एक्सीडेंट में। कब हुआ है? 10 साल। 10 साल से कैसे गुजारा कर रहे हैं? घर पे, हम कोई पक्के यहाँ तो नहीं, आज कल और चले जाओ, एक दो दिन चला जाओ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। किस इलाके से आप? है तो नहीं है। किस इलाके से आए? है तो नहीं है। इधर से? तो सोते सोते किधर है? इधर जिधर जगह मिलती है उधर। ये चूल्हे पे क्या बनाते हैं? चाय। चाय वगैरह? हाँ जी। आग किससे जलाए? इससे, गत्ते से? गत्ते से, लकड़। गत्ते से चाय रोज बनाते हैं रेगुलर? हाँ जी, जब दिल करे, जब चाय का मन कर रहा हूँ। पत्ती पुत्ती सामान रखा हुआ है सारा? हाँ जी। आप कहाँ सोते हैं? जिधर दिल कर दे उधर ही। क्यों है आप फुटपाथ पे? क्यों है ऐसे? क्या वजह? घर वाले छोटे भाइयों से झगड़ा हुआ इधर आज। कब से हुआ है? हुआ है कोई 2-5-6 माह। सुलह नहीं करनी? नहीं। क्यों? डैड मार चुके हैं ना इनका, डैडी मार चुके हैं तो माँ मैं उसको फिर कहते हैं इसको हम झगड़ते हैं इधर क्यों रखा हुआ है। सुलह कर लें यार, इस तरह फुटपाथ पे कब तक गुजारेंगे? मैं खुद लेडीज परस का कारीगर हूँ। तो वो क्यों नहीं बनाते? वो मैंने खुद काम किया था इधर दुकान, किराए भाइयों ने कब्जा कर ली दुकान पे, उन्होंने संभाल ली, माम ने कहा ठीक है। तो कोई हेल्प नहीं करता आपकी, मदद नहीं करता? नहीं, हुनरमंद हुनर तो पास है, जहाँ मर्जी बैठ के काम करते। नशा भी करते हैं आप? हाँ जी। कौन सा पीते हैं? चरस। मिल जाती आसानी से? बहुत मुश्किल से मिलती। मुश्किल से? पाउडर वाइट आसानी से मिल जाता है, चर्च मुश्किल से। क्या वजह? मालूम नहीं है ये, मैं इधर तवज्जो ही नहीं करता। वाइट पाउडर वाले बहुत बैठते हैं इधर। मालूम नहीं। आपको पता है वाइट पाउडर वाले बहुत ज्यादा बैठते हैं, पीते हैं और वो टीके भी लगाते हैं। हाँ जी, वो लगाते हैं, खुद लगाते हैं। करते हैं टीके ना लगाइएगा, क्योंकि ये चर्स पीते हैं, जल्दी पीते ही चर्स लगाने वालों के ना दिल के वॉल्स आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाते हैं, नमूनिया हो जाता है, HIV हो जाती है, जल्दी मर जाते हैं। चर्स और भांग पीता मांगता हूँ, अब मैं मांगता बना हुआ हूँ। कहते मैं कारीगर हूँ और भांग पीते हो सकता है, जो टीके लगाने वाला मामला है ना वो मौत है। इलाज करवाना चाहते हैं आप? नहीं, इलाज का कौन सा, जब मर्जी दिल से जब मर्जी छोड़ सकते हैं। तो फिर आप अपना लेडीज वो पर्स जो बनाते हैं बनाए बनाते हैं जब दिल करे उससे कमा लेते हैं? हाँ जी, खुद का खर्च निकल जाता है। आप थोड़ी मेहनत करें तो आप अपना घर घुर कोई ले लें, कोई कमरा ले लें, कोई बात नहीं, हो ही जाएगा है ना। फुटपाथ पे कब तक गुजारेंगे? जब तक वो ऊपर वाला चाहेगा। तो उधर नहीं गए आप शेल्टर होम? नहीं, आईडी कार्ड मांगते। हाँ, आईडी कार्ड नहीं बना? क्यों बनाया ही नहीं है? तो बनवा ले, जमन पर्ची ना हो, दिल्ली की जमन पर्ची है। है? दिल्ली की जमन पर्ची है। दिल्ली की? हाँ जी। कितनी उम्र हो गई आप? 7 साल का इधर आया हुआ। 7 साल यहाँ जी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि देखने वाली आंख जो है वो नम हो जाती है।